ऐसा तो मैंने किया ही नहीं था, कोई इस किस्म की ट्रेनिंग थी नहीं, तो बस उसके पीछे पड़ गई मैं। और इतने रोशन जी, रोशन कुमारी जी, जो कि लेटर ऑन मेरी टीचर बन गई, शी केम इन टू माई लाइफ एंड शी वॉज गुड इनफ टू हेल्प मी आउट विद इट। जब हम वहाँ पहुँचे तो आपा जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ रोशन सहरा को डांस सिखाए। तो मेरी मम्मी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह मैंने सहरा को पहले कत्थक, फिर भरतनाट्यम और फिर फोक डांसेस सिखाने शुरू किए। उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो गत को अदा किया कि स्टिल हैज एन इम्पैक्ट ऑन माई मेमोरी। तो दिली दिल में मैंने कहा कि ओह दैट इज इट, यू नो दिस इज माई टीचर। एक दिन सहरा ने कहा कि रोशन जी मेरी नई पिक्चर साज और आवाज शुरू होने वाली है, उसमें आप मेरे डांस कंपोज कीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसने रोशन कुमारी का कथक डांस सीखी है, उसके बाद काफी इम्प्रूव हुई, काफी इम्प्रूव ताल सुर का एक्शन का सब काफी इम्प्रूव हुआ। उसमें कुछ सबसे पहले जो है ना पीसेस जो आते थे वो कथकली के थे, कथक के, भरतनाट्यम के, मणिपुरी एंड यू नो लिटिल बिट ऑफ अ वेस्टर्न थिंग एट द एंड। तो आई हैड टू ओन ऑल दैट एंड इट सीम्स टू बी प्रैक्टिकली ओवरनाइट मुझे सीखना था डांस। इट्स नॉट ईजी के कोई जो उछल कूद कर रहा है जैसे कि जंगली में है और फिर एकदम से यू नो यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर क्लासिकल मूवमेंट्स लाइक कथकली। पर आपकी मदर का और नानी का कितना असर है? बेहद कॉन्शियसनेस होता था नसीम बानो जी की ब्यूटी का, मेरा ख्याल है, यानी कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरी वालदा हैं, तो मैं इसीलिए नहीं कह रही, सारी दुनिया कहती है कि वो तो सरापा हुस्न है। वैसे मेरी फैमिली में मेरी नानी अम्मा भी बहुत खूबसूरत रही हैं, अभी भी हैं माशाल्लाह, और वो अपने ज़माने में हिंदुस्तान की बेहतरीन क्लासिकल सिंगर रही हैं। एंड माई मदर नसीम बानो, देयर हैज़ नेवर बीन सच अ ब्यूटिफुल वुमन इन ऑल ऑफ इंडिया, दिस इज़ व्हाट आई फील। डू यू रिमेम्बर दुर्गा बाई खोटे? वो कहने लगे सायरा तुम्हें पता है कि तुम्हारी वालदा जो है वो कितनी हसीन है, कि खुदा ने जिस सांचे में उनको ढाला है, जिस सांचे से उनको बनाया है, उनको बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया। और अशोक कुमार जी, अशोक कुमार अंकल, वो मुझे कहते थे विक्टोरिया की शूटिंग में, बेटा नसीम जी तो किसी कमरे में जब आती थी ना तो उस कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाती थी। प्यार मोहब्बत का जो कंपटीशन डांस था तो उसमें एक डिसएडवांटेज यूँ रहा कि बड़े खूबसूरत पीसेस थे, हमने रिकॉर्ड करवाए थे और उसमें कथक के तोड़े थे और भरतनाट्यम के पीसेस थे। सायरा जी के साथ मैंने काम तो किया था, लेकिन उनका डांस जो मुझे अभी भी याद है वो एक पिक्चर थी शंकर मुखर्जी की, और उसमें उन्होंने आई थिंक शशि कला जी के साथ कुछ एक जुगलबंदी कुछ डांस किया था इंडियन स्टाइल में, और देव साहब भी थे उसमें हीरो, फली मिस्त्री साहब ने फोटोग्राफ किया था, वो कमाल है, कमाल का था मामला। आवाज में था एक बड़ा ब्यूटीफुल टुकड़ा, धा धान धा किट तक देगना देगना नागेना नाड़, इस तरह से। तो वो उसमें इतना लोच वाला और इतनी ब्यूटी से वो चीज आती थी, तो मैंने कहा आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ एक्शन, और जहां हो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन मेरे कम रखिए, मुझसे होता नहीं था।
I did a disguise of a Konkani girl, a very Western kind of an image. And this was the first time that Western image ki taraf mera rujhan hua. मेरा गाना था मेरा नाम रीता कृष्णा उस पर उन्होंने थोड़ा सा कैबरे टाइप था वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसमें इस किस्म के मूवमेंट्स थे दे वेरी इनोसेंट वेरी लवली मूवमेंट्स कि वो बार बार अपना ड्रेस यूं ऐसे फ्लिक करती थी ना मेरा नाम रीता कृष्णा इस किस्म से She's happiest when she's dancing. जैसे रूह की ग़िज़ा होती है ना, that was what dancing was for Saira. पड़ोसन में उनके लिए मैंने एक गाना गाया था भाई बत्तूर उस पर उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था मतलब एकदम अलग टाइप का वो गाना था पड़ोसन विल आल्सो बी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इट्स एन एवरग्रीन फिल्म I mean, she's the one artist I think who could do Kathak and Kathak, Bharatanatyam and folklore and also do the Western pieces.